दसवीं कक्षा के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा जो पढ़ाने की इस कार्यक्रम में तीसरी अवधि में आपको मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, लगातार हमने दो अवधियों में तुलसीदास जी के कुछ दोहों के बारे में चर्चा की थी, तो विश्वास के साथ उनके अंतिम दो पैराग्राफ को आपको पढ़ाने के लिए तीसरे अवधि में मैं उपस्थित हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों आप सभी इस श्रव्य और दृश्य माध्यम का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। आनंद के साथ घर में बैठे बैठे आप अध्ययन भी करते होंगे। तो अभी तक मैंने लगातार तीन दोहों को पढ़ाया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये तीनों दोहे आपको ठीक ठाक से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपके तुलसीदास के दोहे के चौथा दोहे को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ कि आप सभी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि चौथा दोहा जो है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। देखो कितना अर्थ गर्भित है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्याहृत राम भरोसो। एक कितना अर्थपूर्ण है, कितना अर्थ गर्भित वाक्य तुलसीदास ने आपके सामने प्रस्तुत किए। तुलसीदास बता रहे हैं मनुष्य कष्ट में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, समस्याओं के भीतर पड़ते हैं, तब उन्हें विद्या विनय विवेक तीन साथियां एक काम आते हैं। अगर जो संकट में पड़ते हैं, जो दुख में पड़े हैं, जो समस्या में पड़े हैं, तो उनके पास ये तीन अस्त्र अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। एक विद्या यानी नॉलेज, दूसरा विनयता, तीसरा व्यवहार करने की तरीका विवेक बुद्धि। ये तीनों उस व्यक्ति के साथ काम करते हैं। साहस सुकृति सुसत्यवाद रुत राम भरोसो एक, अगर ये तीनों के साथ जो कष्ट में पड़े हुआ व्यक्ति हो, साथ ही साथ में भगवान का भरोसा पा लेता है, भगवान के प्रति विश्वास रखता है, वहाँ साहसी होगा, क्योंकि दुख में, कष्ट में, संकट में, समस्याओं में पड़े, उन समस्याओं को सामना करके उठकर जो आता है वो सच में साहसी कहलाएगा, सत्यवान कहलाएगा, सुकृत सुसंस्कृति वाला कहलाएगा। सही है, इसलिए जो संकट में पड़े हैं, जो दुख में पड़े हैं, जो सबोध्य समस्याओं के ऊपर समस्या झेलते हैं, तो डरने की बात नहीं है। जो सुख में, जो दुख में हैं, जो विपत्ति में पड़े हैं, जो संकट में पड़े हैं, सिर्फ अपने विनय को अपनाओ, विवेक के साथ समाधान से अपने ज्ञान को इस्तेमाल करो, उपयोग किया करो, तुरंत
समस्या का हल आपको मिलेगा। एक बार समस्या का हल मिलेगा तो आप जिंदगी में आप उन्नति की और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा सब्र करना है, जो दुख आते हैं आने दो, भगवान का स्मरण किया करो, भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर रहेगा। इसलिए जो समस्या का समस्या का सामना करता है वो साहसी कहलाता है, सुसंस्कृतवान कहलाता है, जो सत्यवान कहलाता है। इसलिए तुलसीदास कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आप दुख में हैं, विपत्ति में हैं, संकट में हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य को अपनाओ, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, साहसी बनो, आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसका भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब संकट पड़ती है, जब दुख में विपत्ति में पड़ते हैं, जो समस्या में पड़ते हैं, तब उन्हें विद्या, विनय तथा विवेक उस व्यक्ति के साथी बनते हैं। मैंने बताया विद्या को अपनाना है, अपनी बुद्धि को अपनाना है, विनम्रता को अपनाना है, साथ ही साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने की जो दिमाग को अपनाना है। जो राम पर भरोसा करता है, जो राम हो चाहे कोई दूसरे कोई भी भगवान क्यों ना हो, जो अपने भगवान पर भरोसा करता है वह साहसी कहलाता है, वह सत्यवान कहलाता है, सुसंस्कृतिवान कहलाता है। सही है। तो बच्चों मैं विश्वास करूँगा कि ये चौथा पैराग्राफ आप अच्छी तरह से समझेंगे। मैं पांचवा पैराग्राफ की तरफ आपको ले चलूंगा। राम नाम मणि दीप धरो जह देहरे द्वार, राम नाम मणि दीप धरो जह देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहो जौ चाहसे उजी आर। वाह कितना अर्थपूर्ण है। देखो बच्चों, राम नाम मन दीप धरो जो दहरे द्वार, जिस तरह से आके घर के दरवाजे के दायरे पर जब आप दिया जलाते हैं, हर कोई घर के सामने, घर के जो दायरा होता है उस दायरे के सामने उसके ऊपर जो दिया रखते हैं, जो दिया से रखने से घर के भीतर तथा आंगन में अपने घर के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश फैलता है। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि आपके चित्र में जिस तरह से आपके घर के दायरे पर दिया रखने से आपके घर के भीतर हो या घर के बाहर, आपके आंगन के चारों तरफ जो है रोशनी फैलता है, प्रकाश फैलता है, उसी तरह से राम नाम जपने से, राम नाम भगवान के स्मरण करने से आपके मन के आंतरिक बाह्य के शुद्धि होती है। आपके मन में रहने वाले बुरे विचार, बाहर में रहने वाले बुरे विचार, आंतरिक और बाह्य के जो भी बुरे बुरे ख्याल है, बुरे बुरे विचार जो भी है, जो भी बुरे बुरे गुण है वो मिट जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं तुलसीदास, राम नाम मणि दीप धरु जह देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जाऊं चासी उजियार। सही है। इसका मैं अर्थ आपके मोबाइल के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
देखो बच्चों, दिया जलाए हैं, एक और चित्र आपके सामने है, एक दिया है तो इसका भावार्थ जो है प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम की भगवान के स्मरण करने से जपने से मानव की मनुष्य की आदमी की आंतरिक व बाह्य शुद्धि होती है। तो बच्चों, लगातार मैंने आपको तुलसीदास के इन पांच दोहों के बारे में आपको पढ़ाया हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि पांच के पांच दोहे आप समझे हैं और आप घर में आपकी किताब को लेकर उसे अच्छी तरह से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, एक अवसर हमारे पाठशाला के प्रधान अध्यापिका जो हैं सौम्य मैडम जी, मुझे एक अवसर दिया था कि इस तुलसीदास जी के दोहे के बारे में एक पाठ बच्चों के साथ चर्चा करने के लिए बताया था, तो मैंने मैडम की जो बात को न टालते हुए एक पाठ आपके सामने कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो बच्चों, मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि आप बहुत अच्छी तरह से इस कविता को घर में पढ़ो और नोट्स लिखने की भी कोशिश करें। अगला पाठ ये जो भी है ये मैं नहीं लेकर आऊँगा, आपके जो दसवीं कक्षा के जो अध्यापिका हैं वो आपको अगले पाठ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।